सरला डेडलाइन गाजा अभिमुखे इज्राएल टैंक हमास को मूलपोच करने आईडीएफ जोरदार ऑपरेशन भय उत्तर गाजा छाड़े 11 लक्ष अधिक लोक सेपटे आउ एक विमानवाही युद्धपोत पठाइला अमेरिका। ऑपरेशन अजय 274 जन भारतीय स्वदेश फेरिले स्वतंत्र विमान जोगे चतुर्थ पर्यायर फेरिले भारतीय दूतावास और केन्द्र सरकार को जनइले धन्यवाद बखाणिले युद्धभूमि अनुभूति। 2024 निर्वाचन में हेवीवेट को बैटल फिल्ड हेबो कि पश्चिम ओडिशा नवीन पटनायक और धर्मेन्द्र प्रधान लड़ा नहीं जोर धरला चर्चा होम ग्राउंड में भिन्न अवतार में पीसीसी मुखिया। विधानसभा निर्वाचन मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और तेलंगाना प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा कला कांग्रेस मध्यप्रदेश में 144 छत्तीसगढ़ में 30 तेलंगाना 55 प्रार्थी ना घोषणा। भूकंप झटकारे पुणि थरला देशर राजधानी दिल्ली और आखपाख अंचल रिक्टर स्केल्रे तीव्रता 4.2 उत्तर भारत किसी सहर में भी भूकंप अनुभूत क्षयति सूचना नहीं। रोमांचक मोड़े अफगानिस्तान इंग्लैंड मैच 285 रन टार्गेट को पिछा कर संकट में इंग्लैंड बड़ ओलट पालट करिपारे अफगानिस्तान। इज्राएल हमास मध्यरे जारी रही घमाघोर युद्ध घन घन आक्रमण में थरहर हमास मात्र 48 घंटा मध्यरे टलिला आउ जने टॉप कमांडर हमास को गाजारु संपूर्ण सफा करने प्रस्तुत इज्राएल सेना एने साधारण लोकों को दिया जाइथिला मात्र 3 घंटार डेडलाइन एई समय सीमा मध्यरे दक्षिण को चली जावाई कहुला किछि लोक पलायन करिसेंति अनेक लोक एबे मध्य सेठारे पड़ रही छन्ति आउ सबुठु चिंताजनक कथा हला लोकों को जावाई देउनाहंती हमास आतंकवादी एभली स्थिति रे डेडलाइन सरीगला तेणु आग को कौन हेबो ताकुने कल्पना करिहेउनि कारण वर्तमान समय रे गाजार हॉस्पिटल रु जो दृश्य सामना को आसुछि ताहा हृदय विदारक। इज्राएल हमास मध्यरे जारी रही घमाघोट युद्ध एवं आज राति सबुठु गुरुत्वपूर्ण कारण आशंका करा जाउछि कि आज इज्राएल सेना आगो को बढ़िबे एवं पूरा हमास आतंकवादी को निपात करने चेष्टा करेंगे। डॉक्टर विनोद मिश्रा आम सहित रोचते वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ वर्तमान युद्ध स्थिति एवं आशंका नहीं अधिक आलोचना करवा डॉक्टर मिश्रा आपको स्वागत करुच्ची वर्तमान स्थिति को आपड़ केमी आकलन करुंच आज राति के गुरुत्वपूर्ण कौन सब आशंका देखुं गुरुत्वपूर्ण जदि इज्राएल एक्चुअली एंट्रेंस इनटू गाजा किंतु मोर वर्तमान सुधार जहाँ आकलन इज्राएल विल नॉट एंटर इनटू गाजा अनलेस दे हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द टनल्स कारण तंकर ऑब्जेक्टिव होची टू डिस्ट्रॉय द टनल्स जोटा को यूज करी हमास इज लॉन्चिंग फेज वाइज अटैक ऑन इज्राएल वर्तमान सुधार जहाँ भी हमें जानी इज्राएल इज नॉट इन in the knowledge of all the tunnels karna without having a proper assessment if Israel enters into Gaza it will face the similar situation as it faced in 2014 jo tarike jeto bele bhi ei bhale prachesta korithla Israel but it was a failure tenu tar pore ahuri improvements korichanti Hamas in improving their tunnels that is as it is estimated 500 kilometers of tunnel exist in northern Gaza. Then, it is not that easy. But Chabi or Israel, who ultimatum gave, she ultimatum of the response is exciting. No, out of 1.1 million people, only 2 lakh people are left in northern Gaza. So, sahi prashno hi pochhe bhi ki jee mana rohi jai chonti semanon kora bortoman kon hai bo? All will be targets. All can suffer the casualties. तेणु इज्राएल जदि परिस्थिति एक्चुअली एंटर करे गाजा को ऑब्जेक्टिव इज्राएल केते दूर अचीव हबो सेटा कह जाई परिबो नै बट इट विल बी ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर
many many people civilians will die kintu gaza khetra re civilian koiba इज्राएल पक्ष कि हमास आतंकवादी माने ढाल कर साधारण लोक Intifada is a form of resistance. Jota 90s ru aramho hoichi against Israel by the Palestinians. Jotre ki every citizen, irrespective of age and sex, they rise in resistance to the Israeli forces. Tenu intifada re jodi loko shamil hochanti, tenu semanku technically one cannot call them as civilians. Tenu that definitional confusion is there. Sei confusion ta ku halo kari bartaman Israel can go on an indiscriminate killing of Gaza people, which will include Hamas and those who are not directly involved with Hamas, but those who can take part in the intifada. So, this is a confusing situation. Jabi ho, jabi Israel aaj ratre enter kare Gaza ko, there will be a humanitarian disaster, which is unprecedented. Aaj paryant se bada disaster bodhe ei dekhina chhu. Ee bhali bhabare इज्राएल जो लक्ष्य नहीं आगे बढ़ुची हुए तो ये सहज नुहे एक चर्चा होती इज्राएल आगे बढ़े तो हस्पिटाल आक्रमण विभिन्न घर आक्रमण से नहीं हमास आतंकवादी मैंने प्रस्तुत हो रही सूचना अर्थात इज्राएल सेना प्रति आक्रमण सामना निश्चय कर समाने खाली हॉस्पिटल एवं घर में फ्रॉम एनी प्लेस दे विल बी सब्जेक्ट टू एम्बुश एंड गरिला वॉरफेयर एज लॉन्ग एज दे रिमेन ऑन गाजा लैंड सो दैट इज द क्वेश्चन जे एमाने जो ऑब्जेक्टिव नहीं जाउचंती टू एलिमिनेट हमास फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ दैट इज नॉट दैट इजी हैड इट बीन दैट इजी हमास कुड हैव बीन एलिमिनेटेड मच अर्लियर It's not that easy, but another outputs are important. Because that was the other part. It is very clear. So once Israel enters into Gaza, what happens in the northern front? Because the support is Lebanon side. Hezbollah is getting prepared. That the moment Gaza withdraws from possible Israel, they will launch massive attack. And that part Iran's statement is important. Because you have to. Iran has already declared. Jabi Israel doesn't stop its strikes on Gaza, then Israel will face far-reaching consequences. Tapare along with that, Golan Heights, jago ki Israel nijo kabja ko nahi ki from Syria. Syria is also looking forward to an opportunity to regain that. You know, Gaza re jodi Israel tara samasta sainika ebong sainya bala prayog kare, that might open up an opportunity for Syria to recapture Golan Heights. So once Israel enters into Gaza, There will be a three-front war that Israel will have to fight. You know, same jo fight ta chalega. Seta kete dur Israel sustain kar pariyo. No matter Israel is a very powerful country, and ta pachre United States bade bhi state power soi jandi. But when it comes to fighting a war across the borders, it is a different ball game. It is the Israelis who have to fight. Israel la total soldiers jo jandi 3 lakh, including the reservists. तेणु 3 लाख सोल्जर्स नहीं तीन फ्रंट रे इफेक्टिवली लड़ेगा आलंग विथ एंटरिंग इनटू गाजा विथ मैसिव फोर्स कितने दूर सस्टेनेबल हम दैट इज द पॉइंट टू बी डिबेटेड बिल्कुल एवं ताऊपर ही समस्त नजर रही कारण आम देखु आपत कहते पाखापाखि 3 लक्ष सैनिक बर्तमान इज्राएल पक्षर प्रस्तुत हो रही केवल बेंजामिन नेतान्याहू को निर्देश को सेमानंकर अपेक्षा रही तेणु आगो को किभली बढ़ुची इज्राएल और कौन सब पदक्षेप नौची ताऊपर पूरा विश्ववासी नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद मिश्र आप प्रतिक्रिया एपटे इज्राएल हमास युद्ध भितर किंतु ऑपरेशन अजय देश को फेरी 274 जन भारतीय स्वतंत्र विमान जोगे तेल अबीब्रु सुरक्षित भाव में दिल्ली में पहुंची इज्राएल में रहुथिबा भारतीय तृतीय पर्यायर 197 जन भारतीय पहुंची आउ चतुर्थ पर्यायर आज 274 जन भारतीय स्वदेश फेरी विमान बंदर पहुंचा पर भारतीय दूतावास और केन्द्र सरकार को धन्यवाद जनाई समस्ते या सहित युद्धभूमि अनुभूति किभली स्वदेश फेरी भारतीय माने से कथा बखाणी
युद्ध विभीषिकार इज्राएल फसी रही 18,000 भारतीय आउ फसी भारतीय उद्धार करने केन्द्र सरकारों पक्षर् आरंभ होपरेसन अजय प्रथम और द्वितीय पर्यायर वर्तमान सुधा 447 जन भारत को फेरी काफ़ी साइरेंस वगैरह बज रहे थे. मैं रिशॉन में थी. रिशॉन तेलवीव से 8 किलोमीटर साउथ में है सिटी. और मैं एक फेलोशिप के लिए इसराइल गई थी और वहाँ पे काफ़ी कुछ पिछले एक हफ्ते से वी हैव बीन जस्ट लाइक रनिंग इन एंड आउट ऑफ बॉम्ब शेल्टर्स. साइरेंस बजते हैं और हमें 90 सेकेंड्स में सेफ रूम या शेल्टर में भागना होता है. इंटेंसिटी तो बहुत हाई है चारों तरफ से. उत्तर से भी हो रही है और दक्षिण से भी फायरिंग हो रही है. और जब भी साइलेंस की आवाज आती है तो हमें सेफ्टी जगह में एंट्री करनी पड़ती है और वहाँ हमें 10 मिनट रहनी पड़ती है. फिर उसके आधार पर फिर हम वहाँ से बाहर निकलते हैं. और कॉलेज कुछ नहीं हो रही है. सारे कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है. कुछ जगह पर नॉर्मल एक्टिविटी है. मॉल खुले हुए हैं. अभी बहुत ज्यादा हाइप है साउथ की साइड में बट नॉर्थ इज मच कामर. एंड ऑल्सो बट जब हमारी फ्लाइट जाने वाली थी तो हमें नोटिफिकेशन आया है कि अंडरग्राउंड जाओ रॉकेट्स फायर हो रहे हैं. जो भी इसराइल में हमारे भारत के लोग रहने वाले या भारत के लोग वहाँ पे थे और वो जब आ रहे हैं हमारे देश में तो उनके अंदर एक अपार खुशी लग रही है. बहुत यहाँ आ करके भारत माता की जय और जय हिंद बोल रहे हैं और ऐसा उनके चेहरे पे खुशी लग रही है जैसे अपने वतन वापस आकर अपने घर वापस आ गए हों. तो इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. समय को ब्रेक रहो और ब्रेक पर देखिबा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया. नवरात्रि अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल गीत रिलीज है. माड़ी गरबा संग मोदी द्वारा लिखित गीत को गाई दिव्य कुमार कंपोज कर मित ब्रदर्स सोशल मीडिया रे भाइराल. कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया. कर्नाटक 17 मामला बेंगलुरु दायर हो. पालेस्टाइन को बाइडेन को फोन कॉल. अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन फोन कॉल करिसंती. पालेस्टाइन राष्ट्रपति आवास को सहित आलोचना करिसंती बाइडेन. गाजार वर्तमान स्थिति नहीं आलोचना होइतिबार सूचना मिली. पालेस्टाइन को सहाय लगे प्रस्तुत थिबा कहिसंती बाइडेन. जातिसंघ सहित मिसि काम करूछि अमेरिका. ता पूर्व नेतन्याहु बाइडेन आलोचना चर्चार विषय होइछि. सप्ताह भितर पंचम थर फोन करिसंती बाइडेन. आकाश खसुच्छ मृत्यु. 24 घंटार महलत सरपर जेको मुहूर्त में गाजार बस ग्राउंड आटाक कर इज्राएल सेना. गाजा स्तर में बड़ अपरेसन सीमार ट्यांक और युद्धास्त्र अपेक्षा करापाखि 3 लक्ष इज्राएल सेना खूब शीघ्र आरंभ कर ग्राउंड आटाक. मध्यप्राच्यर महायुद्ध हो आहरी भयंकर रूप. इज्राएल स्वास्थ्यमंत्री कहते हमास आतंकवादी खोजी खोजी निपात होमास सदस्य सुरंग में लुचि रही कौन आईडीएफ जो उत्तर गाजारे ग्राउंड आटाक करने को पूरा प्रस्तुत हो सारे इज्राएली सेना. तेपटे जीवन रक्षा उत्तर गाजा छाड़ लोके तेज हमास से ढाल भाव में व्यवहार करने बाट उगा इज्राएल. रॉकेट एवं बोमा मड़े गाजा सहर में 320 अधिक पालेस्टाइनियों नागरिकों जीवन जाइए. आकाशमार्ग गाजार हमास ऑपरेशन सेंटर में एयर स्ट्राइक कर इज्राएल. एर टॉप कमांडर तथा हमास एरियल ऑपरेशन मुख्य मुरद अबू मुरदर मृत्यु होता इज्राएल सेना दावी करपर. 7 अक्टोबर आटाक्र नेतृत्व नहीं कमांडर अली कादी को हत्या कर ट्वीट कर सूचना देती इज्राएल सेना. गत 9 दिन युद्ध में 2200 अधिक पालेस्टाइनियों मृत्यु हो 8000 अधिक आहत होती. मध्यप्राच्य महायुद्ध में छारखार हो गाजा सहर. 1300 अधिक बिल्डिंग धूलसात हो ध्वंसस्तूप में परिणत हो सारी गाजा स्ट्रीट. सेपटे इज्राएल उपर हमास पक्ष जारी रही आटाक. छोट पिला सहित इज्राएल नागरिकों बंधक रखि हमास आतंकवादी आक्रमण चलाई.
मृतकों मध्य 27 जन आमेरिकी अच्छा सेपटे इज्राएल विरोध में लड़े करने को घोषणा कर लेबानन इज्राएल सहित होलोचना को रद्द कर साउदी आरब गाजा साधारण नागरिकों सुरक्षा प्राथमिकता आमेरिका कहते इज्राएल वायुसेना शनिवार राति एयर स्ट्राइक करी हमास टॉप कमांडर बिलाल अल कद्रा को हत्या करी बिलाल दक्षिण खान यूनिस बटालियन टॉप कमांडर थिला एवं इज्राएल में पशि लोकों हत्या करिबार सामिल थिला एबेटी तो इज्राएल फोर्स इस्लामिक जिहाद हेडक्वार्टर्स को एयर स्ट्राइक करी ध्वंस करी हमास सहित युद्ध भितर पैलेस्टाइन नागरिक उत्तर गाजा को स्थानांतर हो 24 घंटार मोहलत दे इज्राएल गाजार लोके जीवन बचाव को दक्षिण दलगुड़िकर फोकस रे पश्चिम 2024 पश्चिम रे जोरदार लड़ई नहीं होउछि कि प्रस्तुति चर्चा होउछि जे बिजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक एवं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पश्चिम ओडिशारु लड़ी पारंती आगरु मध्य उभय पश्चिमरु लड़ी जीतिथिले आउ सेपटे प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति मध्य पश्चिम ओडिशार तेणु पश्चिम ओडिशा हेवीवेट को बैटल फिल्ड हवानी आकलन करा जाउछि दुहजार चबीस भोट पाई फोकस रे पश्चिम ओडिशा हेवीवेट को बैटल फिल्ड हेबो कि पश्चिम ओडिशा पश्चिम रु नवीन धर्मेन्द्र लड़ीबा नहीं चर्चा 2024 निर्वाचन पाई तीन दल संघर्ष आरंभ कर देते बेले पश्चिम ओडिशा उपर रही समस्त नजर कारण यही अंचल को निजर बैटल फिल्ड भाव बाछी पारंती तीन दल शीर्ष नेतृत्व केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पश्चिम ओडिशारु लड़िबार नहीं चर्चा जोर धरते बेले चर्चा को अधिक बल जगाई दुई दल नेता बयान 24 निर्वाचन में पश्चिम देखा मिलपे बिग फाइट तीन दल शीर्ष नेतृत्व बैटल फिल्ड हेबो पश्चिम ओडिशा 2019 मुख्यमंत्री हिंजली समेत बीजेपुर को द्वितीय आसन भाव बाछी बेले 24 पश्चिम मैदान को ओह्ल पारती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी 24 ओडिशारु लड़ा एक प्रकार स्पष्ट हो खोद केन्द्रमंत्री एने संकेत दे सारिथिबा बेले धर्मेन्द्र लड़ा कथा शुणी नेता और कर्मी भी बेस उत्साहित तेरे संबलपुर ना होमग्राउंड ढेंकानाल को धर्मेन्द्र बाछबे ताहा स्पष्ट होइनथिले भी संबलपुर सुरक्षित बोली कहिछंती दलय नेता पश्चिम ओडिशार जनाशुना नेता तथा कांग्रेस मुखिया शरद पटनायक को आगामी निर्वाचन में भी भिन्न रूप से देखा मिलपे मु अत्यंत आनंदित हेबी जदि से कलाहांडी जदि छिड़ा हेबे मोरे ओडिशार 30 जाक जिल्लारु जो जिल्लार जहाँ आवश्यकता अछि ताकु पूरण करिवा पई सबबेले से व्यवस्था करि आछंती तो होजी ढेंकानाल रे आ संबलपुर रे तांगो लागि सफेर सीट होजी संबलपुर संबलपुर रे जेके भी तांगो विरुद्ध रे ठिया हेबे से सुनिश्चित हारब संबलपुर आमे चाहू संबलपुर से ठिया हवंतु आमे माने ग्रीन सिग्नल दौ जो जो दल नेता माने लड़ा कथा से माने निश्चित भाव में लड़े कहीं डेमोक्रेसी कंट्री मो मत जो ओडिशावासी होती आम हेवीवेट से जहाँ निष्पत्ति ने हम से दल ही विजय हम मत जदि आम हाईकमाण टिकेट देवे लड़े हाईकमाण जदि न देवे लड़े नहीं यहाँ हाईकमाण निष्पत्ति सबकि रहे दलय कार्यक्रम हो कि सरकारी कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्र में पश्चिम ओडिशा को प्राथमिकता देउछि बीजेडी पश्चिम ओडिशा विकास परिषद रे अनुदान वृद्धि स्वतंत्र उन्नयन परिषद रे अधिक जिला सामिल चाषी को पाई विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न वर्ग को स्वतंत्र अनुदान पद्मपुर जिला मान्यता को ग्रीन सिग्नल बृहत जलसेचन प्रकल्प कलाहांडी मेडिकल कॉलेज और सीएमओ जिला गस्त बेले समस्या त्वरित पदक्षेप भी अनेक नजर रही केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान घन घन गस्त सह अन्य केन्द्रमंत्री माराथन गस्त भी जारी रही केन्द्रीय योजनार समीक्षा करने राज्य सरकार दोष दुर्बलता को सामना को आने को उद्यम करुछि बीजेपी कांग्रेस भी दलय संगठन सजाड़ कार्यक्रम हाथ को नहीं राजनीतिक समीक्षकों मतरे 2019 बीजेपी 5-5 लोकसभा पछिनेथिबा बेले मुख्यमंत्री प्रार्थित्व जोगु 25 विधानसभा क्षेत्र में बाजी मारिनेथिला बीजेडी आउ चलित निर्वाचन में भी तीन दल शीर्ष नेतृत्व को मैदान को ओह्लैबा संभावना जथेष्ट गत निर्वाचन में बीजेपी को सर्वाधिक फायदा पश्चिम ओडिशार मिलता और सर्वाधिक एमपी मध्य पश्चिम ओडिशार जीतिकी आसते जदि मुख्यमंत्री बीजेपुर आसन छिड़ा ही न था सिनेरियो अन्य किसी हो पार गत थर निर्वाचन जो परिणति ताकू ही लक्ष्य कर बर्तमान तीनो जाक दल
ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିନି ଦଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ଲଢ଼ିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଖବର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚେତନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ 144 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ 30 ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନା ପାଇଁ 55 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କୁ ଦଳ ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂଙ୍କୁ ଚାଚୋଡ଼ ଆସନରୁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଙ୍କୁ ରାଘୋଗଡ଼ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। ବୁଧୁନି ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ରମ ମସ୍ତାଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏହି ଆସନରୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କରିଥିବା ତାଲିକାରେ 30 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ 22 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଏସ୍ ସିଂ ତାଙ୍କ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଅମ୍ବିକାପୁର ଆସନରୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ସେଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ ପାଟନା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। 2003, 2013 ଏବଂ 2018 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଏହି ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ। ତେଲଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 55 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏଆର୍ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ କୋଡୁଙ୍ଗଲ ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତମ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହୁଜୁରନଗର ଆସନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା। ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ନୋଏଡ଼ା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ହରିୟାଣାର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପରେ ମାଟି ଦୋହଲି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ଭୂକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଏବେ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା କି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଫରିଦାବାଦରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.1 ଥିବାବେଳେ ହରିୟାଣାରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.08 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଝଟକା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, पर ऐसा सुनने में आया कि थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके आए, पर हमें ऐसा महसूस नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत कम था, तो इस वजह से हमें महसूस नहीं हुआ है। इस वजह से यही बात है, हमें महसूस नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत अगर आया होगा तो हमें महसूस नहीं, जैसा कि बताया गया कि फरीदाबाद के अप्रोक्स उसका एपिक सेंटर था, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा महसूस नहीं हुआ है। मैग्नीट्यूड भी बहुत कम था तो इसलिए महसूस नहीं हुआ है। हाँ, एक डर सा माहौल हो जाता है, जैसे कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत तेजी के साथ मैग्नीट्यूड आता रहता है, समय समय पर भूकंप आता रहता है, तो वो दिक्कत करता है। पर दिल्ली में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि बहुत तेजी का आया हो भूकंप, जिससे दिल्ली को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। बट अभी यहाँ पे नॉर्मल है हालात, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। महसूस तो नहीं हुआ, मैं अभी भारी था अभी तो सुनने में आया है कि फोन तो आए थे फैमिली की तरफ से कि भूकंप आया, लेकिन महसूस हुए नहीं। शायद उसका एरिया कम रहा होगा, नहीं शायद उसका एपिसेंटर कहीं बाहर था, क्या बोलते फरीदाबाद के साइड में, तो मुझे आइडिया नहीं। तो यहाँ ऐसा कुछ माहौल नहीं आपको? यहाँ तो नॉर्मली माहौल है, मतलब वो बहुत ही लाइट था, वो 3.1 का था और फरीदाबाद में आया था, तो मतलब ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ इतना ज़्यादा कुछ। जी नहीं, कोई बाहर तो नहीं आया था, ना कुछ ऐसा हुआ था इतना ज़्यादा दिल्ली में खास। अब थोड़ा वो हो रहा है कि भूकंप आया था, उस टाइम कुछ लगा ही नहीं था, अब लग रहा है कि हाँ पता नहीं आया होगा। ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଗୀତ, ଯାହାକି ରିଲିଜ୍ ହେବା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପପୁଲାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।